अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास प्रूफ दैट ए माइनस टू जीरो बी सिक्स जीरो सी सिक्स और सिक्स और डी हमारे पास है माइनस टू और सिक्स आर द दर्ट ऑफ रेक्टेंगल तो हमने रेक्टेंगल शो करना है तो रेक्टेंगल में हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं इसके अलावा हमारे पास डाइगनल आपस में इक्वल आते हैं तो जिसमें डाइगनल आपस में इक्वल ना आए वो हमारे पास होता है पैरलोग्राम तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे जो गिवन वैल्यूज़ हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा वही एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो हमने ए बी साइड फाइंड करनी है फिर बी एन टू सी साइड फाइंड करनी है और फिर सी एन टू डी साइड फाइंड करनी है फिर ए डी साइड फाइंड करनी है चारों साइड हमने फाइंड करनी है और फिर देखने क्या अपोज़िट साइड आपस में इक्वल आती हैं और डाइगनल जो के होंगे हमारे पास ए सी और बी डी वो आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं तो जब डायगनल आपस में इक्वल आए तो ये हमारे पास रेक्टेंगल होगा और जब इक्वल ना आए तो वो फिर पैरालेलो होता है अब हम देखते हैं यहाँ पर ए बी साइड फाइंड करते हैं तो इसमें वैल्यू स्प्रोट करते हैं ए और बी की तो सिक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर जिससे हमें मिला एट का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो हमें ऐट स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एट बाहर मिलेगा क्योंकि ज़ीरो हम यहाँ पर काउंट ही नहीं करेंगे तो ऐट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ और ऐट हमें मिला ए बी साइड अब हमने फाइंड करनी है सी डी साइड तो सी डी साइड में वेली स्पोर्ट करते हैं सी और डी की तो माइनस टू माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर तो यहाँ से हमें मिला एट का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर तो जीरो स्क्वायर काउंट ही नहीं होता तो माइनस एट के स्क्वायर से हमें मिलेगा 64 तो 64 हमें मिलेगा 64 को हम लिख सकते हैं एट का स्क्वायर तो एट के स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो हमें एड वायर मिलेगा तो सी डी साइड इक्वल टू ए आया अब हमने बी एन टू सी साइड फाइंड करनी है तो बी और सी के पॉइंट्स यूज़ करेंगे सी के पॉइंट्स हमारे पास एक्स टू और वाई टू होंगे और इस तरीके से बी के पॉइंट्स हमारे पास एक्स वन और वाई वन होंगे तो वैल्यू स्पोर्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले में तो आएगा सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर तो यहाँ से हमें मिलेगा सिक्स स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर तो काउंट नहीं करेंगे तो सिक्स के स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी सिक्स अब हमने फाइंड करना है डी एन टू ए साइड यानी डी ए साइड तो यहाँ पर वैल्यू स्पोर्ट करते हैं डी और ए के पॉइंट चूज करेंगे तो हमें मिलता है माइनस टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो ये मिला ज़ीरो स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो यहाँ पर सिक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमें सिक्स मिलेगा तो यहाँ पर हमने चारों साइड फाइंड कर ली हैं लेकिन अब हमने डायगनल फ़ाइंड करने हैं तो ए सी डाइगनल पहले फाइंड करते हैं तो ए और सी के पॉइंट्स यूज़ करेंगे तो वेलेस वेलिस करते हैं डिस्टेंस फार्मूले में तो हमें मिलता है सिक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट इससे हमें मिला एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्र तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड जिससे हम लिख सकते हैं टेन क्योंकि टेन का स्क्वायर लें और फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करें तो हमें मिलता है टेन अब हमने फाइंड करना है दूसरा ड्राइगनल जो कि है बी डी तो डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे और ये पॉइंट्स बी और डी के यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है माइनस टू माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो यहाँ से हमें मिला माइनस एट का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड जिससे अगेन हम लिख सकते हैं टेन क्योंकि टेन का स्क्वायर हंड्रेड होता है तो टेन का स्क्वायर लिखने के बाद स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा टेन अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो ए साइड है वो इक्वल टू सी डी साइड है यानी अपोजिट साइड आपस में इक्वल आई है और फिर दूसरी बी एन टू सी साइड और डी ए साइड आपस में इक्वल है और इसके अलावा जो डाइगनल्स हैं वो हमारे पास ए सी इक्वल टू आए बी डी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी और सी और डी गिवन है ये हैं रेक्टेंगल के वर्ट्र तो ये प्रूफ हो गया तो जब हमें कहा जाए कि आपने प्रूफ करना है पैरलोग्राम तो उसमें हम देखेंगे हमारे पास जो डाइगनल हैं वो आपस में इक्वल नहीं आएंगे तो इसके क्वेश्चन आपने खुद करना है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है रेक्टेंगल ए बी सी डी आर ए बी और सी और डी पे पॉइंट्स के है हाउ लॉन्ग इज द डाइगनल ए सी तो हमने यहाँ पर डाइगनल ए सी फाइंड करना है तो हमारे पास जो पॉइंट्स गेवन है वो हम लिख रहे हैं अब हमने डाइगनल फाइंड करना है तो डाइगनल हमारे पास ए सी है तो डिस्टेंस फार्मूला होगा ए सी पॉइंट्स के लिए एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो ए सी हम वेल्यूस्पोर्ट करते हैं तो हमारे पास सी हमारे पास होंगे वाई x1, x2 और y2 और a हमारे पास होंगे x1 और y1 तो वैल्यू स्पोर्ट करते हैं तो 5 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 माइनस जीरो का स्क्वायर तो ये हुआ हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस सिक्सटीन ये इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 25 के तो अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलता है फाइव तो जो डाइगनल है ए सी वो इक्वल टू है फाइव के ये हमारा आंसर अब क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास फाइंड द बी सच और बी बी फाइव और फाइव और सी हमारे पास हैं आर द दर्ट ऑफ राइट एंगल ट्रा विद बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल टू नाइनटी डिग्री है तो हमने ये आ, शो करना है अब हमारे पास जो सोल्यूशन में वैल्यूज़ हैं हम वो देखते हैं उसके बाद हमने बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो ए बी और सी जो बेटिस हैं उसके पॉइंट्स हमने देखे अब हमने डिस्टेंस फार्मूले की मदद से साइड्स फाइंड करनी है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो जो साइडें होंगी ए बी है तो हमने यहाँ पर बी को लेना है एक्स टू और वाई टू और इस तरीके से ए को लेना है हमने एक्स वन और वाई वन तो अगर हम इनको आपस में उलट भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एब्सोल्यूट होगा तो एब्सोल्यूट या जब स्क्वायर हो तो ये जो प्लस माइनस का फ़र्क नहीं आता इसमें अब हमने ए बी फाइंड करने साइड तो वेल्यू स्पोर्ट करते हैं तो हमें मिलता है फाइव माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस बी का स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट तो स्क्वायर्स को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस बी माइनस टू N2, 2, N2, 5, N2, B. तो ये हुआ हमारे पास नाइन स्क्न प्लस ट्वेंटी बी स्क्र माइनस टेन बी जिससे हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर माइनस टेन बी प्लस थर्टी फोर का स्क्वायर रूट अब हमने बी एन टू सी साइड फाइंड करनी है तो उसमें पुट करते हैं फार्मूले में तो हमें मिलता है माइनस सिक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फाइव का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एलेवन स्क्वायर प्लस माइनस फाइव स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन टी वन प्लस ट्वेंटी फाइव तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन फोर्टी सिक्स तो अब हमने सी ए साइड फाइंड करनी है तो ये गिवन पॉइंट्स यूज करेंगे और इसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो वेल्यू स्पोर्ट करते हैं चूंकि सी ए साइड है तो सी और ए के पॉइंट्स यूज होंगे तो हम इनमें से एक्स वन और वाई वन और एक्स टू वाई टू लेंगे और वेल्यू स्पोर्ट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में हमने वेल्यू स्पोर्ट की तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स का का स्क्वायर स्क्वायर तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एट का स्क्वास बी का स्क्वायर तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ प्लस बी का स्क्वायर तो अब हमने चूंकि ये राइट एंगल ट्रा है तो फैतागोरिस थ्योरम को देखना है उसे अप्लाई करेंगे फैतागोरस थ्योरम ये कहता है कि स्क्वायर रूट जो है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू है बाकी दो साइड के स्क्वायर के यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपर हाई पार्टी न्यूज का स्क्वायर चूँकि लॉन्गेस्ट साइड को हम हाई पार्टी न्यूज लेते हैं तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है ए बी एन टू सी तो बी एन टू सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर आपस में इक्वल है तो वैल्यू स्पोर्ट करते हैं तो हमें मिलता है बी स्क्वायर माइनस चूँकि गिवन था हमारे पास नाइन्टी एंगल कहाँ पर है ये ए पर बनता है ठीक है चूँकि ये गिवन है एंगल ऑफ बी ए सी तो ए पे हमारे पास 90 एंगल बनता है तो इसका मतलब ये है कि हाई पार्टी न्यूज यहाँ पर बी और सी होंगे क्योंकि जब आपके पास 90 एंगल बनेगा ए पर तो बाकी दो साइडें वर्टिस बी और सी के हैं तो उनके साथ मिलकर जो हमारे पास बनेगा जो बनेगी साइड वो हाई पार्टी न्यूज होगी तो वैल्यू स्पोर्ट करते हैं फार्मूले में तो यहाँ पर बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस टेन बी प्लस थर्टी फोर का स्क्वायर प्लस हमारे पास है स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस हमारे पास है वन फोर्टी सिक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस टेन बी प्लस थर्टी फोर प्लस सिक्सटी फोर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन फोर्टी सिक्स तो यहाँ पर हमारे पास बीस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायेयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा चूँकि ये एड होंगे बी स्क्र प्लस बी स्क्र तो टू बी स्क्र और माइनस टेन बी प्लस नाइन्टी एट माइनस वन फोर्टी सिक्स को इस तरफ लेकर आए सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है टू बी स्क्र माइनस टेन बी माइनस फोर्टी एट इक्वल टू ज़ीरो तो अब हम यहाँ पर टू कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है बी स्क्र प्लस माइनस फाइव बी माइनस ट्वेंटी फोर अब टू को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो टू खत्म हो जाएगा तो हमें मिलेगा बी स्क्वेयर और माइनस फाइव बी माइनस ट्वेंटी एट तो हमने इसे सोल्व करना है तो हम माइनस फाइव बी की जगह ऐसी दो वैल्यूज देखते हैं जिन्हें आप आपस में प्लस माइनस करें तो आए माइनस फाइव बी और मल्टीप्लाई करें तो हमें मिले ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर तो वो हमारे पास है माइनस एट बी और प्लस थ्री बी तो ये आपने एक्सरसाइज 5.3 या 4 में किया है कि हम ए सी लेते हैं फिर हम बी की जगह दो वेलिस लाते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ए सी मिले और प्लस माइनस करें तो बी मिले तो ये हमने माइनस एट और प्लस थ्री बी लिया है तो बी स्क्वायर माइनस एड बी प्लस थ्री बी माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो आया अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजिंग फैक्टराइजेशन करेंगे तो b कामन लेंगे तो b माइनस एट आया और प्लस थ्री कामन लिया तो b माइनस एट तो इक्वल टू तो जीरो है तो हमारे पास दो फैक्टर बने b प्लस थ्री और b माइनस एट दोनों इक्वल टू जीरो हैं अलग-अलग इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमें मिलता है यहाँ से बीज इक्वल टू माइनस थ्री और यहाँ से b इक्वल टू एट तो हमारे पास दो दो वैल्यूज़ आई हैं b की तो ये हमारे आंसर है माइनस थ्री और माइनस एट अब क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास है, y, तो में, है, तो में, है, तो में हमारे पास तीन वर्टिस गेवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड दैट क्वार ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम तो हमने डी फाइंड करना है तीन वर्ट गिवन है चौथा वर्ट अन तो यहाँ पर सोलूशन में हम लेट करते हैं डी को कि डी हमारे पास वर्टिस है उसके एक्स और वाई तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे ये सेकेंड क्वार में है तो सेकेंड क्वार में हमारे पास वैल्यूज़ जो होती हैं वहाँ पर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है तो पैरलोग्राम है चूँकि तो पैरलोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आती हैं तो हमारे पास डी सी इक्वल टू आएगा ए बी के तो यहाँ पर हम वेल्यू स्पोर्ट करेंगे डी सी साइड और ए बी साइड में और इसके बाद हम इन्हें कंपेयर करेंगे एक्स एक्सिस एक्सिस के साथ कंपेयर होगा और वाई एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कंपेयर होगा तो वेल्यूस्पोर्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला में तो हमें मिलता है यहाँ पर चूंकि डी सी है तो डी और सी की हम वैल्यूज यूज़ करेंगे अब इनमें हम कोई भी एक्स और वाई ले सकते हैं इसके बाद जोड़े गए हो उसे हम एक्स और वाई ले सकते हैं आप कोई भी पहले लें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर होल स्केर है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा जहाँ पर एब्सोल्यूट हो या होल स्केयर हो तो वहाँ पर फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू में से कोई भी लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा आ जाएगा थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वन माइनस वाई का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट या टी सी की वैल्यूज हैं अब इक्वल टू ए बी साइड है तो ए और बी की वैल्यूज यूज़ करते हैं तो हम मिलता है वन प्लस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री प्लस टू का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस कंपेयर करते हैं तो एक्स एक्सिस में थ्री माइनस एक्स है और यहाँ पर है वन प्लस फोर जैसे हम फाइव लिख सकते हैं तो हो जाएगा एक्स एक्सिस में हमारे पास थ्री माइनस एक्स इक्ल टू फाइव और y एक्सिस में वन माइनस वाई है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस थ्री प्लस टू है जिसे हम माइनस वन देख सकते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन अब यहाँ पर कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू फाइव माइनस थ्री और यहाँ पर हमारे पास हुआ वन इधर आकर प्लस हुआ इस तरफ जाकर प्लस हुआ तो वन प्लस वन इक्वल टू वाई तो यहाँ से हमें मिला माइनस एक्स इक्वल टू टू और यहाँ से वाई इक्वल टू टू मिला तो यहाँ पर हमें एक्स इक्वल टू मिला माइनस टू और वाई इक्वल टू टू मिला तो हमारे पास जो मिसिंग वेटिस था यानी डी वो हमारे हमने लेट किया था एक्स वाई के तो अब हमें एक्स वाई की वैल्यूज मिल गई हैं तो डी इक्वल टू आया माइनस टू और टू मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू की समझ आ गई होगी फिर भी किसी क्वेश्चन में वे आपको मसला हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं